होता है हमारे कल। हमने बेसलम की तारीफ और उसकी छह शराब आज इस चीज का बयान होगा कि बेसलम किन अशिया के अंदर जायज है और किन अशिया में जायज है। देखो जिन अशिया में बेसलम दुरुस्त है, बेसलम किसे कहते हैं? बेसलम इसको कहा जाता है कि आप किसी बाई को पैसे दे देते हैं और उसे कहते हैं कि 6 महीने बाद मुझे बंधक दे देना, 6 महीने बाद मुझे फल दे देना, 6 महीने बाद मुझे ज्वार दे देना, मकई दे देना, पैसे पहले से दे देना, मबी बाद में वसूल करना, ठीक है, उसको कहते हैं बेसलम। लेकिन ऐसी मबी के जिसके अंदर बाई की सुनात को दखल ना हो, बाई उसमें अपनी तरफ से कोई तो तसर्रुफ एडिटिंग ना कर सकता हो, उसको बेसलम कहते हैं। क्योंकि गंदम और ज्वार मकई अब इसको तो बाय नहीं बना सकता ना अपनी तरफ से, ये तो अल्लाह ताला की तख्लीक करता है इसलिए, ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? बेसलम कहते हैं। पैसे पहले से देना और चीज बाद में वसूल करना, मदद मुतय्यन करने के बाद, उसको बेसलम कहते हैं। और अगर अपनी तरफ से बाय उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई उसमें अपनी तरफ से उसको बनाता है, तो उसको इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना की बहस बाद में आएगी, वो बाद में पड़ेगी, है वॉल्यूम ऐसा है, आप देख लें अपना, उसको दुरुस्त कर ले माइक को अपने, उसको हाँ वेरी लो। अब सही है, अब सही है आवाज? अच्छा, तो देखो गेहूं वगैरह के गले के अलावा जो चीजें ऐसी हों कि इनकी कैफियत बयान करके मुकर्रर कर दी जाए, लेते वक्त कुछ झगड़ा होने का डर ना हो, इनकी बेसलम दुरुस्त है, जैसे अंडे, ईंटें, कपड़ा, सब बातें तय करके इतनी ईंट, इतनी बड़ी ईंट हो। मोहसिन, इतनी लंबी चौड़ी कपड़ा सूती का और इतना बारीक कपड़ा हो, इतना मोटा हो, देसी हो या विलायती हो, हर सब बातें बतला देनी चाहिए ताकि कुछ गंजलक बाकी ना रहे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको बेसलम कहेंगे। सारी बातें पहले से तय कर लेनी चाहिए। नबी के अंदर जहालत से बेसलम फासिद हो जाएगी। जहालत का मतलब ये कि जो चीजें ऊपर बयान की हैं कि भाई मबी को मुतय्यन करना चाहिए कितने किलो गंदम हो, कितने किलो चीनी है या जो भी चीज है लेनी है, वो तो रुपए की 5 गठड़ी या 5 कांची के हिसाब से भूसा बतौर बेसलम के लिया तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गठड़ी और कांची की मकदार में फर्क होता है। अलबत्ता किसी तरह से सब कुछ मुकरर और तय करके वजन का हिसाब कर लिया जाए तो फिर बेदुरुस्त हो जाएगी। सिर्फ कहा कि भाई गठड़ी के हिसाब से 5 गठड़िया दे देना, ठीक है, 5 बोरिया दे देना, 5 बोरी भूसा दे देना मुझे, तो इस सूरत के अंदर क्योंकि बोरी की मिकदार मुख्तलिफ होती है, तो अब ये बेसलम क्या हो जाएगी? ये बेसलम फासिद हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ी बोरी लेकर आएगा और ये छोटी बोरी जो है तो उसको दे देगा कि भाई ये इसके अंदर, तो इसमें झगड़ा पैदा हो सकता है, इसलिए ये बेसलम फासिद हो जाएगी। हाँ, अलग अगर इस तरह कह दिया कि भाई मन की जो बोरी है, 1 मन की जो बोरी है, वो 5 बोरी मुझे दे देना, अब क्या है? अब बेसलम दुरुस्त हो जाएगी। बेसलम के जवाज के लिए एक और शर्त, सलम के सही होने के लिए ये भी शर्त है कि जिस वक्त मामला किया जाए उस वक्त से लेकर लेने और वसूल पाने के जमाने तक वो चीज बाजार में मिलती रहे। नायाब ना हो, अगर इस दरमियान में वो चीज नायाब अगर इस दरमियान में वो चीज बिल्कुल नायाब हो जाए कि मुल्क और बाजारों में ना मिले, वो दूसरी जगह में
बहुत मुसीबत झील कर मंगवा सके तो बेसलाम बातिल हो जाए। एक शर्त ये भी है, ठीक है, कि भाई जिस चीज़ की भी बेसलम की गई है उसके लिए ज़रूरी है कि जिस वक़्त मामला किया उस वक़्त से लेकर जो वक़्त मुकरर किया अदायगी का उस वक़्त तक वो चीज़ बाजारों के अंदर मिलती रहे। जैसे बिलफर्ज गंदम के लिए कह दिया कि भाई 6 महीने बाद मुझे गंदम 10 मन गंदम दे देना, तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि जिस वक़्त ये मामला किया उस वक़्त से लेकर जिस वक़्त अदायगी का वक़्त हो वो उस वक़्त तक वो गंदम बाजार के अंदर मिलती रहे। अगर कोई दरमियान में ऐसा वक़्त आया कि बिल्कुल वो गंदम मिट मतलब ख़त्म हो गई बाजारों से, ठीक है, उस इलाके से ख़त्म हो गई, बिल्कुल दूसरे इलाके से मंगवा सकते हैं लेकिन उसके अंदर मुसीबतें ज़्यादा हैं, उसके अंदर जो है तो तकालीफ ज़्यादा हैं, इस सूरत के अंदर जिस जगह पे बेसलम हुई है अगर उस जगह उस इलाके के अंदर वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इस सूरत के अंदर बेसलम बातिल हो जाए। ठीक है, ये भी इसके लिए शर्त है। बेसलम में नाजायज़ शर्तें, मामला करते वक्त ये शर्त कर दी कि फसल कटने पर फला महीने में हम नए गेहूँ लेंगे या फला खेत के गेहूँ लेंगे, तो ये मामला दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, इसलिए ये शर्त ना करना चाहिए। फिर वक्त मुकर्रा पर इख्तियार है कि नए दाने दे या पुराने दाने दे, अगर नए गेहूं कट चुके हों तो नए की शर्त करना भी दुरुस्त है। मतलब ये कि आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि भाई आपने मुझे यहाँ से जो है तो वो गंदम दे दी है, बस आपने उसको इतना कहना है कि भाई 6 महीने बाद मुझे गंदम दे देना, 6 महीने बाद मुझे सेब दे देना, 6 महीने बाद मुझे आम दे देना, आप उसको इतना कह सकते हो, ये नहीं कह सकते कि भाई इस बाग से आपने मुझे देना है, ठीक है, या उस वक्त जो आपने बाग से सेब काटा हो तोड़ा हो वो आपने मुझे देना है, या जो गंदम आपने उस वक्त काटी हो वो आपने मुझे देनी है, ये शर्त लगाना जायज नहीं है। तो ये शर्त लगाना जायज नहीं है। बाकी अगर गंदम काटते वक्त या जो है तो फल काटते वक्त तोड़ते वक्त जो नए फल हों वो अगर उसको दे दिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त लगाना जायज नहीं है, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि आपने मुझे यहीं से देना है और किसी जगह से मैं नहीं लूंगा, ये जायज नहीं होगा। तुमने 10 रुपए के गेहूं लेने का मामला किया था, वो मुद्दत गुजर गई बल्कि ज्यादा हो गई, उसने अब तक गेहूं नहीं दिए और ना देने को उम्मीद है, तो अब ये कहना जायज नहीं है कि अच्छा तुम गेहूं ना दो बल्कि इस गेहूं के बदले में इतने चने या इतने धान या इतनी फला चीज दे दो, गेहूं के एवज उस चीज का लेना तो जायज नहीं है, या तो उसको कुछ मोहलत दे दो और मोहलत के बाद गेहूं ले लो या अपना रुपये वापस ले लो। इसी तरह अगर सलम बेसलम को तुम दोनों ने तोड़ दिया कि हम वो मामला तोड़ते हैं गेहूं ना लेंगे, रुपये वापस दे दिया दे दो, या तुमने नहीं तोड़ा बल्कि मामला खुद ही टूट गया जैसे कि वो चीज़ नायाब हो गई कहीं नहीं मिलती, तो इस सूरत में सिर्फ तुमको रुपए लेने का इख्तियार है, इसके अवज कोई और चीज़ लेना दुरुस्त नहीं है, पहले रुपए ले लो इसके बाद अगर कोई चीज़ चाहो तो उसे खरीदो। तो उसूल क्या बयान हुआ, उसूल ये बयान हुआ कि देखो जब आपने उसके साथ मामला कर लिया कि भाई 6 महीने बाद आपने मुझे गंदम देनी है, 3 महीने बाद आपने मुझे गंदम देनी है, उसने कहा ठीक है, 3 महीने बाद आप उसके पास चले गए कि हाँ भाई गंदम, उसने कहा गंदम तो नहीं है, गंदम तो नहीं है, तो इस सूरत के अंदर आप उसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो गंदम अगर नहीं है तो तुम मुझे मकई दे दो, मकई नहीं है तो चलो तुम मुझे सेब दे दो उसकी जगह पर, तुम मुझे ज्वार दे दो उसकी जगह पर, ये जायज नहीं। जिस चीज का सौदा आपने किया था उसी चीज को लेना होगा, उसके अलावा दूसरी चीज आप उससे वसूल नहीं कर सकते, या तो उसको उतना कह दो कि चलो ठीक है अच्छा मैं 1 हफ्ता आपके लिए मजीद बढ़ा देता हूँ, 1 हफ्ता मजीद बढ़ा देता हूँ, ये तो कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि आप जो है तो जो जिस चीज का आपने उसके साथ मामला किया था उस चीज को छोड़कर आप कोई और चीज खरीदने लगो, ये जायज नहीं। ठीक है, और इसकी एक सूरत ये भी है कि अगर उसने कहा कि भाई गंदम नहीं है तो उसको कहा चलो ठीक है मुझे पैसे दे दो, पैसे आपने उससे ले लिए, अब उसके साथ आप दोबारा मामला करो कि चलो अच्छा ठीक है मैं ये पैसे आपको दे देता हूँ, आप ऐसा करो इन पैसों के बदले में आप मुझे मकई दे दो, अब ये मामला जायज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते कि अगर मामला गंदम का हुआ था आप उसको कहो कि गंदम के बदले में मुझे क्या दे दो, मकई दे दो, ये जायज नहीं होगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी।
ये हो गया। छह महीने वाली बात ये है ऊपर जो गुजर गया कि भाई अगर आपने ये कहा था कि भाई हम 6 महीने बाद या 3 महीने का बाद गंदम लेंगे, तो उसमें आप उसको एक ही किस्म के ऊपर आप उसको पाबंद नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इस गंदम से, इस खेत से आपने मुझे गंदम दे दी है, ठीक है, या जो जैद का खेत है आपने वहां से मुझे गंदम लेके दी है। आप उसको किसी एक जगह के ऊपर पाबंद नहीं कर सकते, उसको बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस तरह का मामला कर लिया तो फिर वो बेसलम क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है, कर्ज लेने का बयान। जो चीज ऐसी हो कि इस तरह की चीज तुम दे सको, इसका कर्ज लेना दुरुस्त है, जैसे अनाज, अंडे, गोश्त वगैरह, और जो चीज ऐसी हो कि इस चीज उस तरह की चीज देना मुश्किल हो, इसका कर्ज लेना दुरुस्त नहीं है, जैसे अमरूद, नारंगी, बकरी, मुर्गी वगैरह। इसको कहा जाता है ज़वातुल अम्साल और ज़वातुल कियम। जो चीजें ज़वातुल अम्साल है उसको कर्ज में लेना दुरुस्त है, और जो चीजें ज़वातुल कियम है उसका कर्ज में लेना दुरुस्त नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो चीज जिसकी मिसल मिल सकती है उसका कर्ज में लेना दुरुस्त है, वो चीजें जिसकी मिसल मिल सकती हो तो उसका कर्ज में लेना दुरुस्त है, और वो चीजें जिसका मिसल नहीं मिल सकता उसका कर्ज में लेना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कर्ज का उसूल ये है, अद्दुयूनु तुग्ज़ा बिअम्सालिहा, कि कर्ज को उसकी मिसल के साथ वापस किया जाएगा, तो जो जिस चीज का मिसल ही ना हो उसका कर्ज लेना भी दुरुस्त नहीं है। समझ आ गई बात, जिसका मिसल ही ना हो उसका कर्ज लेना दुरुस्त नहीं है। अब जैसे अंडे हो गए, गोश्त हो गया, अब इसकी मिसल तो मिलती है बाजार के अंदर, ठीक है। बाद में अंडा बिलफर्ज ले लिया और उसने कहा कि यार मुझे ये अंडा दे दो, कल मैं आपको अंडा वापस कर दूँ, ये कर्ज हो गया। तो ठीक है, आप उसको अंडा दे दो, कल वो बाजार से चला जाएगा और उसी दुकान से दूसरा फार्मी अंडा लेके आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन ये कि अमरूद, नारंगी, बकरी वगैरह, चूं अमरूद नारंगी के साइज के अंदर फर्क होता है, ठीक है, तो इस तरह का साइज मिलना मुश्किल होता है, बहरहाल अगर मिल सके तो इसका कर्ज लेना भी दुरुस्त है। लेकिन बकरी और मुर्गी वगैरह, जो चीजें जानदार हैं, इनकी मिसल नहीं मिलती। अच्छा, जो चीजें जानदार हैं इनकी मिसल नहीं मिलती। ऐसा हो नहीं सकता कि एक बकरी हो और उसकी तरह सेम टू सेम दूसरी बकरी भी मिल जाए, उसके अंदर फर्क जरूर होता है। समझ आ गई बात, कलर में फर्क होगा, वजन में फर्क होगा, सेहत में फर्क होगा, आंखों में फर्क होगा, तो वो सेम टू सेम नहीं मिल सकती। मुर्गी इस तरह जो भी जानदार चीजें हैं वो सेम टू सेम नहीं मिल सकती, लिहाजा इनको कर्ज के अंदर लेना देना ये दुरुस्त नहीं है। समझा गई बात। तो कर्ज का उसूल क्या हुआ, कर्ज का उसूल ये हुआ कि वो चीजें जिसका मिसल मिल सकता है उसको कर्ज में लेना देना दुरुस्त है, और वो चीजें जिसका मिसल ना मिल सके उसका कर्ज में लेना देना दुरुस्त नहीं है। खुलासा क्या कि ज़वातुल अम्साल को कर्ज में लेना देना दुरुस्त है, ज़वातुल कियाम को कर्ज में लेना देना दुरुस्त नहीं है। जिस चीज की मिसल मिल सके उसको ज़वातुल अम्साल कहते हैं, और जिस चीज की मिसल ना मिल सके उसको ज़वातुल कियाम कहते हैं, ठीक है। अंडा है, एक किसी का अंडा तोड़ दिया, ठीक है, तो उसको उसी तरह का अंडा ला के दे दो, ये हो गया ज़वातुल अम्साल। बकरी है, बकरी अगर किसी की बकरी को हलाक कर दिया, ठीक है, तो अब उसकी मिसल तो नहीं मिल सकती, अब इसकी कीमत दे दो, मार्केट वैल्यू के अदवार से इसकी जितनी कीमत होगी वो इसको आप अदा कर दो, ये हो गया ज़वातुल क़ियाम, ठीक है। इसलिए उसको ज़वातुल क़ियाम कहते हैं कि उसकी आप कीमत अदा कर दो। जिस जमाने में रुपए के 10 सेर गेहूं मिलते थे उस वक्त तुमने 5 सेर गेहूं कर्ज लिए, फिर गेहूं सस्ते हो गए और रुपए के 20 सेर मिलने लगे, तो तुमको वही 5 सेर गेहूं देना पड़ेंगे। इसी तरह अगर ग्रां हो गए तब भी तुमने जितने लिए उतने ही देना पड़ेंगे।
समझ गए। रुपए के कितने? 10 सिर गेहूं मिलते थे, 1 रुपए। आपने उसका यार मुझे 5 किलो गंदम दे दो, मैं आपको कल वापस कर दूंगा या मैं आपको 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो उसने आधे रुपए के जो है तो 50 पैसे के 5 किलो गंदम दिए, आपको दे दिए। और फिर उसके बाद वही गंदम जो 50 पैसे के 5 किलो मिलते थे, अब वो 50 पैसे के 10 किलो मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब अदायगी का वक्त आया तो उसने आपने उसको 5 किलो गंदम दे दिया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो 5 किलो गंदम उस वक्त 50 पैसे के खरीदे थे, अब तो ये 5 किलो गंदम 25 पैसे के हैं, तो लिहाजा आप मुझे 25 पैसे और भी दे दो। तो आप उसको नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं है, अपने पैसे लो, अपनी गंदम लो और जाओ निकलो यहाँ से। समझ आ गई बात? इससे कौन सा उसूल निकला? इससे वही डॉलर वाला उसूल निकला, कर्जों वाला उसूल निकला। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ी खराबी है। ठीक है, कर्ज दे देते हैं ना, फिर कहते हैं जिस वक्त तुम्हें मैंने पैसे दिए थे ना उस वक्त सोना जो है तो इतने रुपए तोला था, अब सोना इतने रुपए तोला हो गया, लिहाजा तुम मुझे सोने के हिसाब से पैसे। तो भाई आपने उसको सोना दिया नहीं दिया था, आपने तो उसको क्या दिया था? आपने तो उसको पैसे दिए थे, समझ गया, आपने तो पैसे दिए थे। या कहते हैं कि भाई उस वक्त जिस वक्त मैं आपको कर्ज दे रहा था उस वक्त डॉलर की कीमत इतनी थी, अब डॉलर की कीमत इतनी है, लिहाजा मुझे उस हिसाब से पैसे दे दो। जिस वक्त मैं आपको कर्ज दे रहा था तो उस वक्त जो है तो डॉलर की कीमत 100 रुपये थी, अब डॉलर की कीमत 200 रुपये हो गई है, पैसे की कीमत कम हो गई है, लिहाजा डॉलर के हिसाब से मुझे दो। उस वक्त मैंने आपको जितना कर्ज दिया था उस वक्त $10 आते थे और अब तो क्या है $5 आ रहे हैं, लिहाजा तुम मुझे इजाफी पैसे दो। इस तरह का मामला लोग करते हैं। ठीक है, ये मामला करना क्या है? ये मामला करना बिल्कुल जायज नहीं है, ये सूदी मामला है। ये क्या है? सूदी मामला है। भाई आपने कितने पैसे दिए थे उसको? मैंने उसको 10,000 रुपये दिए थे, 10 साल बाद भी वही 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा, भले इस वक्त 10,000 रुपये के अंदर जो है तो वो $20 आते हो या $30 आते हो, उस वक्त जो है तो अगर उसमें $1 आता हो तब भी क्या है 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज का सिंपल सा उसूल है, यू नो तुगजा भी सारे, कर्ज को उसकी मिसल के साथ वापस किया जाएगा। बस जितना आपने उसको पैसे दिए उतने आप उसे वापस ले, वैल्यू को नहीं देखा जाएगा कि भाई उस वक्त पैसे की वैल्यू क्या थी और अब पैसे की वैल्यू क्या है, ये नहीं देखा जाएगा। समझ आ गई बात? सिंपल है ना। दूसरा फासला, जैसे गेहूं को तुमने जैसे गेहूं तुमने दिए थे, उसने अच्छे गेहूं अदा किए, तो इसका लेना जायज है, ये सूद नहीं है, मगर कर्ज लेते वक्त लेने वक्त ये कह देना दुरुस्त नहीं है कि हमसे हम इससे अच्छे लेंगे, अलबत्ता वजन में ज्यादा ना होना चाहिए। अगर तुमने दिए हुए गेहूं से ज्यादा लिए तो ये नाजायज होगा, खूब ठीक तोल कर देना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा झुकता तोल दिया तो कुछ डर नहीं है, मतलब ये कि वो सूद नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने गेहूं दिए थे, जितने गंदम दिए थे, अगर वो अदायगी के अंदर उससे अच्छी क्वालिटी के गंदम अदा करे तो ठीक है, जायज है, ये तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये कि शर्त नहीं लगाना चाहिए कि भाई मैं इस क्वालिटी के गंदम दे रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे अच्छी क्वालिटी के गंदम दूंगा, ये शर्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये शर्त लगाना ये जायज नहीं है। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि अदायगी के वक्त तोल भी सही होना चाहिए, सही तरीके से तोलना चाहिए, कमी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, शर्त नहीं करना चाहिए कमी ज्यादा का, कमी ज्यादा का शर्त नहीं लगाना चाहिए। हाँ, शर्त नहीं लगाया लेकिन अदायगी वाले ने मकरूज ने देते वक्त अपनी तरफ से कुछ ज्यादा दे दिया तो ये जायज है, ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, बशर्ते कि उसने कोई अपनी तरफ से शर्त ना लगाया, फिर तो झुकता तोल कर दे दिया वो तो जायज है ना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, किसी से कुछ गल्ला, किसी से कुछ रुपए या गल्ला इस वादे के ऊपर कर्ज लिया कि 1 महीना या 15 दिन बाद हम अदा करेंगे, उसने मंजूर कर लिया, तब भी ये मुद्दत का बयान लहू बल्कि नाजायज है। अगर इसको मुद्दत से पहले जरूरत पड़े, मांगे बेजरूरत ही मांगे तो तुमको अदा करना पड़ेगा। उसूल क्या है? उसूल ये है कि कर्ज के अंदर मुद्दत नहीं होती। अच्छा,
कर्ज के अंदर मुद्दत नहीं होती। मुद्दत नहीं होती का मतलब ये है कि अगर मुद्दत को बयान कर दिया जाए तब भी उसकी रियायत करना जरूरी नहीं है। मुस्तकरिज कर्ज की अदायगी, कर्ज देने वाला वो उससे पहले भी डिमांड कर सकता है। जैसे मैंने जैद ने मेरे पास आया, हाँ भाई 15,000 रुपये कर्ज जरूरत है देना है, आप मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, कब दोगे? 1 महीने बाद दे दो। ठीक है, ये 15,000 रुपये दे दो। मुझे 10 दिनों के बाद जरूरत पड़ी उन 15,000 रुपये। अब मैं 10 दिनों के बाद चला गया जैद के पास, यार मुझे वो आप दे दो, मुझे जरूरत है। तो उसने कहा यार 1 महीना तो मैंने कहा था 1 महीने के बाद आओ, तो 1 महीना तो अभी हुआ नहीं, तो आप कैसे डिमांड कर रहे हो? तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे 10 दिनों के बाद जरूरत पड़ गई तो मैं 10 दिनों के बाद ही मुतालबा कर सकता हूँ। कर्ज के अंदर अगर मुद्दत को बयान भी कर दिया जाए तो मुद्दत का बयान करना लागू चला जाता है। ठीक है, उस मुद्दत से ये नहीं है कि अगर कर्ज देने वाला उस मुद्दत से पहले डिमांड नहीं कर सकता, नहीं, उससे पहले भी अगर वो डिमांड करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना? तुमने 2 शेर गेहूं या आटा वगैरह कुछ कर्ज लिया, जब उसने मांगा तुमने कहा भाई इस वक्त गेहूं तो नहीं है, इसके बदले तुम आने पैसे ले लो। उसने कहा अच्छा, ये पैसे उसी वक्त सामने रहते रहते देना चाहिए। अगर पैसे निकालने अंदर चला गया और उसके पास से अलग हो गया तो ये मामला बातिल हो जाएगा। अब फिर से कहना चाहिए कि तुम उस उधार गेहूं के बदले में आने दे दो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, अगर तुमने उसको कुछ कर्ज दिया था, ठीक है, 10,000 रुपये दिए थे, फिर उसके बाद आपने कहा 10,000 रुपये, उसने कहा कि 10,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो मुझसे गंदम ले लो। उसने कहा ठीक है गंदम दे दो, तो उसी मजलिस के अंदर गंदम की अदायगी जरूरी है। अगर उसी मजलिस के अंदर गंदम की अदायगी न की तो ये मामला फासिद हो जाएगा। वो चला गया दुकान से गंदम लाने के लिए, तो वो वाला मामला जो पहले किया था वो फासिद हो गया। अब जब गंदम मजलिस के अंदर हाजिर कर लेगा, दोबारा वो मामला करना चाहिए कि यार मैं उन पैसों के बदले में आपसे ये गंदम ले रहा हूँ, या मैं उन पैसों के बदले में आपको ये गंदम दे रहा हूँ, दोबारा मामला करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वो अंदर चला गया तो मामला उधार में चला गया, दोनों तरफ से चीजें उधार हो गई, तो अल काली बिल काली के तहत ये मामला नाजायज हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलो यहाँ तक बस करते हैं, मसला नंबर 5 बाकी चला कल पढ़ेंगे। देखो कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो जल्दी जल्दी पूछ लें, 5 मिनट अभी बाकी हैं। जी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लें जल्दी से। हवेली आसान चाय ना ना वजन समझे करा। जी पूछे जल्दी कर रहे हैं। आलिया अमन अमन अमान है, क्या नाम है? पूछे जल्दी करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। उस्ताद जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। उस्ताद जी, जो आपने कर्ज की 2 टर्म्स बताई थी वो लिख के बता दे। अच्छा, मसला नंबर 1 में। ज़वातुल अम्साल, ज़वातुल कियम। जी,
और कोई बात? चले ठीक है, इंतज़ार करें अगले उस्ताद का, ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह।